ओके सो हेलो लर्नर्स वेलकम बैक टू दिस वेरी ब्रांड न्यू लेसन एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आपके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो अब भी ज्वाइन कर लो जाकर के बहुत बड़ी मिस्टेक कर दो कि नहीं किया होगा तो ठीक है मैं पहले बता दूँ आपको दिस इज डिस्क्रिप्शन जरूर से जरूर आपको डिस्क्रिप्शन तो पढ़ना है पढ़ना होता है हमारे कोई भी लेक्चर आप देखो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाती है ठीक है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ना उसके बाद ही आप लेक्चर को आगे सुनना आगे बढ़ें ट्राइब्यूनल देखते हैं लास्ट लेसन में अपने हाईकोर्ट कंप्लीट कर लेते हैं नाउ इट इज गोइंग टू बी द फ्लड द फ्लड ऑफ लेसन्स विल बी कमिंग ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर चैनल यहाँ से पूरी इंडियन पॉलिटी आपको कंप्लीट करा दूँगा थ्रू आपके लक्ष्मीकांत एंड सर एंड मैम बैर एक्ट तो नोट्स पर अगर आपको बनाने तो बना सकते हैं यार है ना नहीं तो मैं तो वहीं से है ना टेलीग्राम पर सब प्रोवाइड आपको ऑलरेडी कर चुके हैं और ये लेक्चर सेगमेंट है यार लेक्चर जो बहुत ज़रूरी होते हैं लेक्चर्स अगर आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ समझनी होती है तब ठीक है तो ओपन योर बुक सामने बुक रखो पढ़ते भी चलो और ईयरबड्स लगा कर सुनते चलो जब भी मैं बोलते चलता हूँ ठीक है तो बस स्टार्ट करते हैं आप ट्रिब्यूनल देख लिए ट्रिब्यूनल्स क्या है बेसिकली अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उस उसमें कोई भी मैंशन नहीं है ट्रिब्यूनल्स के बारे में कोई भी मैंशन नहीं है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट ने जब पार्ट फोर्टीथ ए को इसके अंदर इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेन्डमेंट ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ एक बार जाकर के इसी प्ले में लक्ष्मीकांत के प्ले लिस्ट पर जा करके देख लेना ठीक है सो दिस पार्ट इज़ इंटाइटल्ड एज ट्रिब्यूनल्स एंड कंसिस्ट ओनली टू आर्टिकल्स आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए जो कि डील करता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से जिसकी हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सर मैम एंड अगर हम बात करें आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी ये ये दूसरे मैटर्स है जितने भी सारे मैटर्स होते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड उसके अलावा जितने भी सारे मैटर्स हैं आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंतर आते हैं वो ठीक है ठीक है इतना सब कुछ लिखा होता है लेकिन पढ़ना बहुत कम पढ़ना होता है हमको ठीक है इसमें हमको टाइम बचाना होता है और टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ सर मैम आर्टिकल टी टू थ्री ट्वेंटी थ्री जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं इसके अंदर क्या मैंशन है पार्लियामेंट के पास ताकत है कि अपॉइंटमेंट करेगी क्यों करेगी किसको किसके लिए करेंगे अरे वही यार पब्लिक सर्विसे से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं चाहे वो सेंटर में हो स्टेट में हो लोकल बॉडीज में हो पब्लिक कॉर्पोरेशन में हो पी ओ सीज़ में हो आपके पब्लिक अथॉरिटीज़ में हो ठीक है अब इसके अंदर बेसिकली क्या लिखा है कि भाई जो आपके जो केसेस जो डिस्प्यूट सिविल कोर्ट में हाई कोर्ट में जाने चाहिए थे ना वो वहाँ ना जाकर के आपके ट्राइब्यूनल में जाएंगे ठीक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में के अंदर आपका पार्लियामेंट लेकर के आई उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ताकत है कि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए जिसको कैट बोलते हैं एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए ठीक है थीके? तो बेसिकली यही सब चीज़ है। तो अब जितने भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं वो सब अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है जस्टिस रिलेटेड तो वो कहाँ पे जाते हैं आपके कैट में जाते हैं कैट के बारे में इतनी सारी चीज़ ज़रूरी है बिकॉज़ एज़ एन सर्विल सर्वेंट आपको भी इसके बारे में जरूरी है जानना लेकिन यहाँ तो हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको फिर बता देंगे और बाकी चीज़ें तो डेफिनेटली यार नाइनटीन में बना था हमारा जो एक्ट आया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट नाइटी में तो बेंच बेसिकली कहाँ पर इसकी दिल्ली में एडिशनल बेंच इसकी डिफरेंट दिफरें, डिफरेंट स्टेट्स में तो 17 रेगुलर बेंचेस हैं इसकी 15 ऑपरेट्स हो रही है प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट में ही हाई कोर्ट के अंदर ही बैठते हैं ये भी ठीक है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और रिमेनिंग टू एट जयपुर एंड लखनऊ समझ गए क्योंकि जयपुर में आपके हाई कोर्ट नहीं है जयपुर में बेंच है आपके हाई कोर्ट कहाँ पर है आपके जोधपुर में ठीक है लखनऊ में भी नहीं है लखनऊ में आपके बेंच है सुप्रीम हाईकोर्ट की कहां पर आपके अलाहाबाद में तो ये सब याद करना चाहिए अब मुझे कहां से पता ये सब चीज़ें लास्ट लेसन में हाई कोर्ट पढ़ा ना पढ़ा हमने हाई कोर्ट उसी के बाद पढ़ रहे हैं हम राइट दैट मीस आपके थर्टी फोर्थ थर्टी फोर्थ लेसन होता है लक्ष्मीकांत तो दीज बेंचेज होल्ड आपके सर्किट सेटिंग यानी कि भाई घूम घूम के ये क्या करते हैं आपके डिसीजन लेते हैं ये रिक करते हैं तो कैट एक्सरसाइज करता है ऑरिजनल जूसन इन रिलेशन टू द रिक्रूटमेंट हो गया या जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स हो गया आपके पब्लिक सर्वेंट्स के ठीक है उसके अलावा अगर हम बात करें तो इट्स ज्यूजिक्शन एक्सटेंड टू ऑल इंडिया सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज सिविल पोर्ट्स अंडर द सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉय ऑफ डिफेंस सर्विसेज बहुत जरूरी है हाईलाइट कर लो मार्क कर लो इस वाली लाइन को ठीक है सिविल इंप्लॉयज ऑफ आपके डिफेंस सर्विसेज ठीक है ओके हाउ जो मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है ऑफिसर्स है सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनका जो उनका सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट नॉट कवर्ड अंडर इट ठीक है तो कौन नहीं आते फिर से बता दूं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपके जहन में बैठ जाएगी तो डिफेंस फोर्सेज नहीं आते उनके सिर्फ सिविलियन इम्प्लॉज आएंगे उसके अलावा ऑफिसर्स और सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड उनका जो सेक्रेटरी स्टाफ है किसका पार्लियामेंट का वो उसमें नहीं आता किसमें में आप किसके अंदर ठीक है तो कैट की एक मल्टी मेंबर बॉडी एक चेयरमैन होता है उसके कुछ मेंबर्स होते हैं चैम्बर्स बोल रहा था मेंबर्स होते हैं ओरिजिनली अगर हम देखें तो कैट में एक चेयरमैन होगा एक वाइस चेयरमैन होगा एक मेंबर्स उसके जो होते हैं 2006 में इसको बढ़ा करके बेसिकली क्या किया प्रोविजन फॉर दी वाइस चेयरमैन इसको रिमूव कर दिया गया है ना कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया था अमेंडमेंट दो में हैज में आर नाउ नो वाइस प्रेसिडेंट या फिर नो कोई चेयरमैन नहीं आपका वाइस चेयरमैन नहीं है कैट में तो दो में अगर हम बात करें तो जो इनकी स्ट्रेंथ है सेंक्शन स्ट्रेंथ चेयरमैन की एक है उसके तो अलावा अगर हम बात करें सेक्शन स्टेट द मेंबर सिक्सटी फाइव यस ये सिक्सटी फाइव है इसके अंदर मेंग, सिक्सटी फाइव मैक्सम मैंबर हो सकते हैं सो दे आर दोनों जगह से आते हैं जहाँ आपके जुडिशियल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव इस, स्ट्रीम से हो अपॉइंट कौन करता है ये जरूरी चीज़ है अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं सर मैम ठीक है एंड ये होल्ड करते हैं ऑफिस आपके या तो सिक्सटी फाइव ईयर्स ऑफ एज है ना इन केस ऑफ चेयरमैन एंड सिक्सटी टू इन केस ऑफ वाइस मेंबर्स ठीक है जो आपके सॉरी मेम्बर्स हैं जो भी पहले हो ठीक है अब इनकी अपॉइंटमेंट तो कर देंगे अच्छी बात है कर देंगे लेकिन कौन किसके रिकमेंडेशन पे हाई हाई पावर सिलेक्शन कमेटी जो कि किसके अंदर है उसको चेयर कौन करता है जो आपका सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो करता है और उस इज नॉमिनेटेड बाय दी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना एंड आफ्टर ऑप्टेनिंग फ्रॉम द कंकरेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही ये जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी की और कैबिनेट वहां पर बेसिकली आपकी क्या होती है ये अपॉइंटमेंट की जाती है ठीक है तो कैबिनेट कमेटी की भी आपको इसके अंदर लेनी पड़ेगी चीफ जस्टिस की भी कनेकर होनी चीज वह हो सब चीजें सबसे जरूरी बात है कि जो आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइम ट्राइब्यूनल है कैट है वो आपका सिविल प्रोसीजर ऑफ जो कोड है नाइनटीन का उससे बाउंड नहीं है ठीक तो तो है तो इट्स ये गाइड है आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो आप बोलचाल की भाषा में भी आप इसे अगर हम बात करें तो वहाँ कोई कानून वानून देखिए मद्देनज़र तो रखते सब है लेकिन अगर नेचुरल जस्टिस की बात करें तो ऊपर की चीज़ है बहुत जैसे आपका एन है वो भी नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे काम करता है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल अब वो किस पे काम करता है आपका नेचुरल जस्टिस है ना तो वो दो में बना था तो बस इसी तरीके से तो बहुत ही फ्लैक्सीबल अप्रोच होती है नॉमिनल फीस होती है पचास की है ना तो या तो आप आइदर पर्सन भी जा सकते हैं थ्रू लॉयर भी जा सकते हैं एंड ओरिजिनली अगर हम देखें तो अपील्स अगेन दी ऑर्डर द केट कुड बी मेड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट लेकिन अब अगर हम बात करें तो चंद्र कुमार केस जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा कि भाई जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है अपने कोर्ट के अंदर वो बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो जुडिशल रिव्यू भी इसका बेसिकली ये बेसिकली पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का तो अब जो है बेसिकली इसके हाई कोर्ट कहाँ पर कर सकते हैं पर्टिकुलर डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इसकी अपील तो कैट के ख़िलाफ़ आप सीधे कोर्ट में सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाओगे लेकिन पहले हाई कोर्ट में जाना आपका जरूरी है स्टेट ट्राइब्यूनल की बात कर लें तो सिंपल या नाइनटीन एटी फाइव के जो एक्ट था उसी के अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पा पावर थी कि स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाओ स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगर कोई करती है तो उसके अलावा ठीक है सेट जो होंगे वो सेटअप इन नाइन स्टेट्स जैसे आंध्र हिमाचल उड़ीसा कर्नाटका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तमिलनाडु वेस्ट बंगाल केरला इसके अलावा भी और कोई क्या अगर है तो बताना नहीं हो तो हाव एवर द मध्य प्रदेश तमिलनाडु हिमाचल प्रदेश ट्राइब्यूनल हैव बीन सिंस अबोलिश्ड ठीक है इतना आप याद रखें एंड फर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज़ रिक्वेस्टेड टू स्टेबलिश्स फॉर द स्टेट ये सब छोड़ दो नहीं है तो कैट्स एंड सैट्स जो है कैट के कैट की तरह इसका भी ओरिजिनल जिशन क्या है रिक्रूटमेंट का और जितने भी सर्विस रिलेटेड मैटर्स है स्टेट गवर्मेंट के एम्प्लॉइज के उनसे रिलेटेड तो चेयरमैन होगा मेम्बर होंगे इसके तो इसको कोई ना अपॉइंट करता है गवर्नर ना 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 राष्ट्रपति ही करते हैं और ये भी आपके उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से डिस्कस कंसल्ट करने के बाद ठीक है तो याद रखेगा तो राष्ट्रपति ही अपॉइंट करेंगे इनको भी एंड द एक्ट ऑल्सो मैक्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप ऑफ आपके ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यनल ठीक है तो द्वॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल क्या होंगे सर मैम ये एक एक से ज्यादा स्टेट्स के लिए हो सकता है तो जो जा, है वो इसके इसको कौन अपॉइंट करता है इसके मेंबर और चेयरमैन डेफिनेटली यार राष्ट्रपति करेंगे ना और कौन करेगा भैया yeah. और डेफिनेटली गवर्नर से कंसल्ट करने के बाद ट्राइब्यूनल से रिलेटेड अदर मैटर्स की अगर हम बात करें फॉर अदर मैटर्स तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी में टैक्सेशन फॉरिन एक्सचेंज इंडस्ट्रियल एंड लेबर लैंड रिफॉर्म सीलिंग ऑन अर्बन उसके अलावा प्रॉपर्टी इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट उसके अलावा फूड स्टोर्स रेंट एंड टेनेंसी राइट्स तो इससे रिलेटेड मैटर्स में भी क्या हो सकते हैं आपके आ, बन सकते हैं ट्राइब्यूनल तो आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री एंड थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंदर थ्री तीन आस्पेक्ट्स में डिफरेंट है सिंपल है यार पेला तो वही है कि भाई वर्फ थ्री ट्वेंटी थ्री के अंदर तो सिर्फ आपका पब्लिक सर्विसज से रिलेटेड ट्राइब्यूनल बन सकते हैं इसमें तो किसी को ही बना लो है कि नहीं है नेक्स्ट बहुत जरूरी बात बता रहा हूं आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री ए के दिन, अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनते हैं वो सिर्फ कौन बनाता है पार्लियामेंट लेकिन जो थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंदर जो ट्राइब्यूनल बनते हैं आपके जो कि इन सात तो आपका आया तो पार्लियामेंट बना देगी या स्टेट लेजिस्लेचर बना देगा ठीक है समझ में आ गया बिल्कुल बहुत अच्छे बढ़िया आगे बढ़ो बात करें लास्ट डिफरेंस क्या है बहुत जरूरी है सुन लो समझ लो बहुत अच्छी बातें हैं यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके तीसरा डिफरेंस ये है सर मैम आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री है जो एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं ट्राइब्यूनल्स की उसमें हाई हाई की होती है है ना जैसे आपके स्टेट का बनेगा कैट का फिर सेंटर का बनेगा यहाँ पे ऐसा नहीं है आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंदर इसमें हाई लाइट की नहीं है सर एन मैम सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने देखिए जो आपके सॉरी थ्री ट्वेंटी थ्री ए के अंदर उसमें हाई रायर की नहीं है उसका सेपरेट जीव होता है येस डेफिनेटली लेकिन आपके जब हम बात करते हैं आर्टिकल थ्री ट्वेंटी थ्री बी के अंदर इसके अंदर आपके हाई लाइट की बना सकते हैं सॉरी फॉर द मिस्टेक अब याद रहेगा आपको ये हमेशा के लिए ओके चंद्र कुमार केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था प्रोविजन ऑफ दीज टू आर्टिकल्स एक्सक्लूडेड ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो जुडिशियल रेमडीज होती है हार आर नाउ अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफ ठीक है सिंपल हो गया आगे देखें तो कहां कहाँ पर है आपके तो अलाहाबाद बेंच है यूपी लखनऊ बेंच है आपकी यूपी एक्सेप्ट अलाहाबाद बेंच इसके अलावा कटक की है उड़ीसा में हैदराबाद की आंध्र प्रदेश तेलंगाना बेंगलोर कर्नाटका मद्रास की आपकी तमिलनाडु पुडुचेरी एराकुल केरला लक्षि बॉम्बे महाराष्ट्र गोवा दादरा नगर दमन दीव अलाहाबाद सॉरी अहमदाबाद बेंच गुजरात जोधपुर बेंच राजस्थान जयपुर बेंच राजस्थान लेकिन एक्सेप्ट ठीक है समझ गए चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल पंजाब चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर एंड आपके लद्दाख जबलपुर आपके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पटना आपके बिहार एंड झारखंड कैलकटा आपके वेस्ट बंगाल सिक्किम दमन निकोबार गुवाहाटी आपके असम मेघालय मणिपुर त्रिपुरा नागालैंड मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़रूरी है ये बहुत ज़रूरी है आपके सर्किट बेंचेस भी हैं इसके देखिए अहाबाद कैलकटा चंडीगढ़ मद्रास गुवाहाटी जबलपुर बॉम्बे पटना ये सब आर्टिकल्स वही मैंने कहा था आर्टिकल थ्री ए जिसके अंदर आपके क्या आएगा आर्टिकल थ्री ए एडमिनिस्ट्रेटिव आर्टिकल थ्री बी अदर बेटर्स के सिंपल हो गया खत्म नेक्स्ट लेसन में देखेंगे ट्राइब्यूनल सब ऑर्डिनेट कोर्स ठीक है जब तक एंड इंस्टीट्यूट नाइस डे